बच्चों चरित्रवान बन जाओ, देश सेवा कर नाम कमाओ, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। बाऊ नहीं कीनी परती, कृपा करो अब सतगुरु धारू भक्ति रीत। देश किसको होता है, उसी के मुंह से सुनने से फायदा होता है, उसी के मुंह से जब सुना जाता है तब वो समझो फलता और फूलता है। ज्यादातर संतों ने देखो एक को ही नाम दान देने के लिए अधिकार दिया, जो उनके जाने के बाद अन्य शिष्य लोग देने लग गए, लेकिन वो शाखाएं आगे नहीं बढ़ी, उससे लोगों को फायदा नहीं हुआ। पीपल पाकड़ और रसाल ये तीन पेड़ होते हैं, इनका फल सीधा अगर जमीन पर गिर जाए, बीज गिर जाए तो जमाव नहीं होता है, पौधा नहीं बनता है। इसको जब पक्षी खाता है और बीज को नीचे गिराता है तब जमता है, तब पौधा बनता है, फल निकलता है उसमें। तो उसके मुंह से जिसको आदेश होता है सुनना जरूरी होता है, इसीलिए ऑनलाइन नामदान नहीं दिया जाता है, ना टेलीफोन से नामदान दिया जाता है, आमने सामने नामदान लिया दिया जाता है। दूसरी चीज और है प्रेमियों, आंख बंद करोगे, ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, देवलोक सूर्य चंद्र लोकों में जाओगे, ऊपर का नजारा दृश्य देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे, और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे, जैसे ही बताओगे वैसे वो बंद कर देगा, फिर न तो आपको दिखाई पड़ेगा न सुनाई पड़ेगा, और फिर उसी के लिए रोओगे, तड़पोगे, चिल्लाओगे, चिल्लाओगे उसी के लिए। जैसे मीरा चिल्लाती थी, जानवर गाय क्या चिल्लाएगी, ऐसे चिल्लाती थी, गलियों गलियों में जाती थी, कहती थी रात देना मोहिनी ना आवे भावे ना अन्न न पानी, कहती थी ऐसी पिरा सुता रही है कि जैसे तीर सालता है अंदर, ऐसे ही लग रहा है कोई मेरी पीर बुझा दे, कोई मेरी प्यास बुझा दे, कोई मेरे मुझे मालिक से मिला दे, ऐ कोई मेरे जाए सतगुरु वैद जो मेरे इस रोग को ठीक कर दे, ऐसे चिल्लाती थी। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों, बताना मत किसी को, नहीं चूक जाओगे तो फिर पछताओगे। आप ये समझो ये आया अवसर निकल जाएगा अगर अंदर में आपको कुछ मिले, और अगर मन को रोक ले जाओगे, अगर रोज लगाओगे ध्यान, अंदर में इच्छा पैदा हो गई कि अंदर की दौलत भी मुझको मिल जानी चाहिए, वो दौलत प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिस दौलत से दुनिया की सारी दौलत ये पास आ जाती है, बिना बुलाए आती है, इच्छा करने पर आ जाती है, वो दौलत हमको प्राप्त हो जाए तो आपको मालिक की दया से, गुरु महाराज की दया से कुछ मिलेगा। तो जो कुछ भी दिखाई सुनाई पड़े उसको आपको किसी को बताना नहीं है। तीन चीज और समझो, तीन आंख तीन कान और तीन नाक, दो आंखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है, और एक आंख अंदर जीवात्मा में, जिससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं, जिसको थर्ड आई कहा गया, तीसरी आंख कहा गया, जिसको अन्य रूहानी आंख कहा गया, जिसको आप ये समझो शिव नेत्र कहा गया। तो एक आंख अंदर में है, तो दो आंख बाहर, एक आंख अंदर तीन आंख, दो कान ये बाहर, एक कान अंदर जीवात्मा में, तीन कान, इसको दिव्य कान कहा गया। बाहर के कान से बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है, अंदर के कान से अंदर की आवाज सुनाई पड़ती है, और तीन नाक, एक सुराख है दाहिनी तरफ और एक है बाईं तरफ। यह बहुत प्रमुख चीज है, यही शरीर को चलाता है,
10 प्रकार के प्राण हैं शरीर में, वो इसी से चलते हैं। तो ये अपना काम नाक कभी बंद नहीं करता है, चलो तो भी नाक काम करेगा, सोओगे तो भी काम करेगा, टट्टी पेशाब करो, भोजन नाश्ता करो, जो भी आप शरीर से क्रिया करो, सब परिस्थिति में सब जगह ये दोनों नाक अपना काम करते रहते हैं। एक नाक से अच्छी हवा अंदर जाती है, दूसरे से गंदी हवा गर्म हवा बाहर निकलती है, ये बदलते रहते हैं, थोड़े समय के बाद बदलते हैं। जब बदलते हैं 5-7 मिनट के लिए, 8-10 मिनट, 10 मिनट के अंदर ही बदल जाते हैं। तो दो सुराख ये है नाक, और एक नाक है अंदर जीवात्मा में, तीन नाक तीन कान। नाम दान लेने के लिए न तो बाप को घर छोड़ना रहेगा भजन करने के लिए, न घर छोड़ना रहेगा, न जमीन जायदाद छोड़नी रहेगी, न बाल बच्चों को छोड़ना रहेगा, कुछ छोड़ना ही नहीं है। अब यह है कि आप अपने थोड़ा सा रहन सहन में बदलाव ले आओ, आपका जो ऐश आराम का जीवन है उसमें थोड़ी तब्दीली ले आओ। देर तक सोते हो, जल्दी सोने की आदत डालो, दवा के खाते हो दो रोटी तो एक रोटी का भोग रख करके खाओ कि जिससे आलस ना आवे, नींद ना आवे, पचाव भी हो जाए, जल्दी आंख भी खुल जाए, उठ जाओ। ये सब थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है, स्वभाव में भी बदलाव लाने की जरूरत है, झूठ परे बेईमानी और ठगी इनको छोड़ने की आवश्यकता है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर भरोसा करो, गुरु को याद करोगे तो गुरु की दया आपको उसमें मिलेगी, थोड़े में ही यानी आपका जब बरकत मिल जाएगी तो काम चल जाएगा। ज़्यादा कमाते हो बरकत नहीं मिलती है, हाय हत्या लगी रहती है, तो इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ। तो जहाँ भोजन खाते हो वहीं पर खाओ, शाकाहारी खाना, लड़का लड़के का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर करो, पूरी छूट है आपको, लेकिन समय से बच्चे और बच्चियों की शादी कर दिया करो, यानी उनको न खोजना पड़े कि निर्णय गलत हो जाए और 2 महीना भी न बीते तलाक के मुकदमे चालू हो जाए, दहेज का मुकदमा चालू हो जाए, ये जरूर कहता हूँ। तो प्रेमियों, कुछ आपको नहीं छोड़ना है, न कपड़ा बदलना है, न दाढ़ी बाल बढ़ाना है, ना सिर मुड़वाना है, बाल बनवाना है, कुछ नहीं करना, जैसे हो ऐसे ही रहो। पहले से दीक्षा मंत्र किसी का ले रखे हो, ठीक है, सम्मान उनका भी है, लेकिन अभी तक जो आपने किया सो तो किया, अब इसको करके देखना। तो आप कहोगे सारी मर्यादा का तो पालन आप कर रहे हो, लेकिन दक्षिणा वाली बात क्यों भूल जा रहे हो? अरे बहुत से लोग तो पहले ही रखवा लेते हैं दक्षिणा, तब कान फूंकते हैं, कंठी बांधते हैं, मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं, और आप तो दक्षिणा वाली बात ही खत्म कर दे रहे हो, मर्यादा ही खत्म कर दे रहे हो। अरे खत्म नहीं कर रहा हूँ, मौका तो है देने का आज दक्षिणा, लेकिन देना क्या है? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने किया, जान में किया अनजान में किया, उसकी माफी आप यहीं मांग लो प्रभु से, हमारे गुरु महाराज से, कि अब गलती हमसे नहीं होगी, हमसे जो भी गलती हुई अब नहीं करेंगे। गलतियों की जानकारी आदमी को हो जाती है, गलती की सजा मिल जाती है, गलती एहसास भी हो जाता है, लेकिन आदत बन जाती है जब तक बराबर गलती करता है, बार बार गलती करता है। जैसे कहते हैं ना कि झूठ बोला, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलता है, और बाद में झूठ खुल भी जाता है। कैसे मालूम हो गया आपको कि झूठ बोल रहा है? सुन लो उसकी बात, 2 घंटे बाद फिर पूछो, उसी तरह नहीं बता पाएगा। 2 दिन के बाद पूछो तो समझो आधा कम हो जाएगा, 2 महीना बाद पूछो तो यानी समझो 4 महीना बाद पूछो तो सही बात ही बताएगा, झूठ सब भूल जाएगा वो जो बना के बोलेगा झूठ, तो झूठ खुल भी जाता है, इसीलिए कहा जाता है। तो आप समझो प्रेमियों कि बुराइयों से अब हो जाओ दूर, आपकी वजह से जिन जीवों की हत्या हुई है अब न होने पावे, उन पर करो आप दया। दया धर्म, तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा का दया धर्म, और नहीं तो
जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, बदला देना पड़ता है, आज नहीं तो कल बदला देना ही पड़ेगा। उसके दरबार में देर भले हो लेकिन कहते हैं अंधेर नहीं है, अच्छे कर्म जब रहते हैं तब तक बुरा भी कुछ कर डालता है तो तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जब बार बार बुरा करता है, अच्छे कर्म जो पहले के बने हुए होते हैं खत्म हो जाते हैं तब तकलीफ आती है। फिर तो उसको फिर कोई समर्थ के अलावा और कोई बचा ही नहीं सकता है, लेकिन समर्थ के पास फिर पहुंच भी नहीं पाता है, फिर तो वो खोज भी नहीं पाता है, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसकी, इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं हम कहीं जानवरों को मारते हैं, हम तो मांस पैसा देकर लाते हैं, खरीद करके लाते हैं, खाते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन आप अगर मांस खाना बंद कर दो तो जीव हत्या होगी, आपकी वजह से जीव हत्या हुई, अभी सब लोग मांस खाना बंद कर दें तो सभी जीवों की रक्षा हो जाएगी, जिनको काट करके लोग अपना पेट पालते हैं आप ये समझो कोई दूसरा धंधा करने लग जाएंगे, मालिक पर विश्वास हो जाएगा तो उसी में उनको बरकत मिल जाएगी, विश्वास हो गया। मेरे कहने पर बहुत से लोगों ने मांसाहारी होटल बंद कर दिया और बोले शाकाहारी चला रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। जब जानकारी हुई कि अंडा ये तो बहुत गंदी चीज है, बताया गया कि माताएं मासिक धर्म होती और खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है, ऐसे ही मुर्गियों का खराब खून, उनके टट्टे पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो अंडा बन जाता है, अंडा गंदी चीज है, नहीं खाना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, बेचने वाले लाने वाले खाने वाले सबको पाप लगता है। तो फेंक दिया ट्रे और दूसरा काम करने लगा, खराब अच्छा चल रहा है, मछली का ठेका लिए हुए था, मुर्गी पालन का काम कर रहा था, बदल गया, छोड़ दिया, करा बड़ी शांति है, नहीं तो मुर्गी ही मुर्गी दिखाई पड़ती थी, मछली का जो धंधा करता था कहता था कि कभी कभी सपने में इतनी बदबू आती थी कि सोना मुश्किल हो जाता था, वो सड़ी सड़ी मछलियाँ अन्य समझो कि नाक में भर जाती थी, लेकिन अब कह रहा आराम से अब घोड़ा बेच के सो रहा हूँ, आराम की नींद ले रहा हूँ। तो समझो विश्वास हो गया, विश्वास करोगे तो समझो सब बात बन जाएगी प्रेम। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब जैसे बुद्धि नाशक नशे का सेवन मत करना, बाकी आप आजाद हो। अरे चार रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, अगर हजम कर पाओ तो, एक गिलास दूध की जगह 50 गिलास दूध पी लो हजम कर सको तो, थाली भर चावल की जगह थारा भर चावल खा लो हजम कर सको तो, हमारी तरफ से छूट है। और जिनको जानकारी नहीं है उन प्रेमियों को बता देना कि पूजन आज हो गया है और निर्माण वहाँ से यहाँ शुरू हो जाएगा गुरु महाराज के मंदिर का, सब लोग मिलकर के बना लो। देखो जो सत्संगी नहीं है, नामदानी नहीं है, उनसे मत लो, और अगर कोई इच्छा भी करता है तो कह दो पहले आप वहाँ चलो, सुनो समझो और उसके बाद में फिर आपका सब कुछ कबूल है। और जो मांस खाते हैं, मछली अंडा का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, उनसे कुछ भी मत लेना, उनसे तो हाथ जोड़ना कि हाथ जोड़ कर बिने हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सतयुग लाने की करो तैयारी, करो पहले आप लायक बन जाओ तो आपकी सब सेवा कबूल है। और आप कितने प्रेमी हो, चाहे गुरु महाराज का नामदानी हो और चाहे गुरु महाराज के जाने के बाद के नामदानी हो, सब लोग मिलकर के और ये मंदिर गुरु महाराज का यहाँ पर बना लो, शुरुआत कर दिया गया है, अब बनाना आप सब लोगों को मिल करके है, इसलिए इसमें हर तरह के लोगों की जरूरत है, शरीर से सेवा करने वालों की, धन से सेवा करने वालों की, मन के मन से सेवा करने वालों की, सबकी जरूरत है। और आप सब लोग अगर चाहो तो सब लोग भी सेवा कर सकते हो, हर तरह की सेवा करने में आप सक्षम हो,
गुरु को याद करके आप आदर डालो कि नहीं कुछ होगा तो हम बताएंगे ही लोगों को, सत्संगियों को फोन करके ही बताएंगे, नहीं कुछ होगा तो हम यानी यहाँ आते ही जाते रहेंगे तो भी हमारे शरीर की सेवा होती रहेगी। आप ये समझो कुछ न कुछ रोज निकालते रहो अपनी मेहनत की कमाई का, बच्चियों भोजन बनाती हो आप चुटकी ही निकालती रहो, यानी समझो इस मंदिर के नाम पर आप महीने में जो आप पाते हो तनख्वाह उसमें से ही गुरु के नाम पर निकालते रहो तो जल्दी काम हो जाएगा। आते ही जाते रहोगे तो भी काम हो जाएगा। यह समय जो है परिवर्तनशील समय है, दुनिया ही परिवर्तनशील है। यह समय जब निकल जाएगा तब आप लाख कोशिश करोगे लेकिन फिर नहीं कर पाओगे। तो अभी आप लोगों के लिए मौका है, लोगों को बता दो, सबके लिए मौका है और सब लोग मिल करके बना लो। मौका आ गया, समय आ गया, अब केयर करने की जरूरत नहीं थी, इंतजारी करते हुए बहुत समय हो गया था, इसलिए घोषणा कर दी गई और शुरुआत कर दी गई है। अब सब लोग मिलकर के आप बनाओ। बोलो जय गुरुदेव। एक अच्छा राजा था, अच्छी विचारधारा का था, प्रजा का पालन करता था, धार्मिक था, कुछ जानने की इच्छा रखता था, तो सुनता रहता पढ़ता रहता सबकी बात। अब उसको यह जानकारी हो गई कि प्रभु है, जैसे अनुभव होता है प्रभु की ताकत होती है, ताकत का अनुभव होता है, वो ताकत को देखा नहीं जा सकता है। जैसे ये बिजली का तार है तो आप ये समझो इसमें कितनी ताकत है यह आपको नहीं पता है। बल्ब कैसे जलता है, जब ताकत मिलती है पावर मिलता है उसको तब जलता है, पंखा चलता है, लेकिन खाली तार को देखोगे जब देखोगे तो उसको लेकिन अनुभव नहीं कर पाओगे। ऐसे ही प्रभु जो है वो अनुभव की चीज होता है। तो वो सोचता रहता था ज्ञान कैसे मिलेगा, कोई आता था तो कहता था ज्ञान कैसे मिलेगा, ज्ञानी मैं कैसे हो सकता हूँ। ज्ञान का मतलब वही ऊपरी चीजों की जानकारी, तत्वों की जानकारी, ऊपरी तत्वों। तो कोई कहता तीर्थ चले जाओ, तो कोई कहता जाओ जल चढ़ाओ, कोई कहता मंदिर में प्रसाद चढ़ाओ, कोई कहता आरती कर आओ, कोई कहता जाओ नदियों में स्नान कर आओ, सब किया उसने, लेकिन शांति उसको नहीं मिली, संतुष्टि उसको नहीं मिली। फिर पंडित जी उनके यहाँ आते थे पूजा करने के लिए, एक दिन उनसे पूछा, पंडित जी से पूछा कि यानी समझो कि कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे यानी समझो कि शांति मिलेगी, किस तरह से बोध होगा। तब उन्होंने कहा कि भागवत पढ़ो, भागवत कराओ। भागवत कराया 7 दिन। अब उन्होंने सब उदाहरण दिया कि परीक्षित का ऐसे हुआ, उनका ऐसे हुआ, भागवत से यह लाभ मिला, यही जानकारी उनको थी। तो कहा आपका भी उद्धार उसी से हो जाएगा। जब उन लोगों का हो गया जिनका इतिहास में नाम लिखा हुआ था, बताया तो आपका भी हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कहा पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक, उससे कुछ नहीं। आप ये समझो ढाई आकर वही जो बताया आपको, शब्द साधा भाव शब्द का ज्ञान जब होता है, शब्द का बोध जब होता है तब होता है, तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर कहा पंडित जी से, पंडित जी कुछ नहीं हुआ, आपने जो भी बताया आप पर हमको विश्वास है, आप से पूजा पाठ इसीलिए कराता हूँ, कुछ पूछता हूँ आप बताते हो। तो ये जो विद्याएं हैं, ज्योतिष है, हस्तरेखा है, ये सब ये जो गणना है, इससे भी आदमी को जानकारी हो जाती है तो फायदा मिल जाता है। लेकिन किसमें फायदा होता है, दुनिया की चीजों में फायदा होता है। दुनिया की चीजें मिल जाती हैं, जो नाशमान है, जिसको छोड़ना है, जहाँ जाना है अपने देश अपने घर, उसकी जानकारी इससे नहीं हो पाती है। पंडित जी को इन चीजों की जानकारी थी। और आजकल लोग ज्यादातर इन्हीं चीजों की इच्छा रखते हैं कि धन हो जाए, व्यापार बढ़ जाए, नौकरी में तरक्की हो जाए, दुश्मन का हार हो जाए और ये हो जाए,
इसीलिए आंतरिक तांत्रिक और ये जो इस तरह के लोग होते हैं, कोई कंठी लटका देता है गले में, रुद्राक्ष पहनो, कोई अंगुली में कहता है ये हीरा पहन लो, मोती पहन लो, नीलम पहन लो, ये कर लो, यही सब कराते हैं लालच में दुनिया की चीजों। आप ये समझो ऐसे ही पंडित जी से फायदा होता था, पूजा पाठ राजा कराता था। तो एक दिन बड़ा दुखी होकर बोला, कहा कि कुछ नहीं हुआ, बहुत मैं परेशान हूँ इस बात के लिए। तो जब आदमी के अंदर परेशानी होती है तो कहा ना कि ये जीवात्मा सब की उस मालिक से जुड़ी हुई है, तो किसी न किसी रूप में आवाज वहां पहुंच जाती है। तो उसने कहा अच्छा हम सोच के बताएंगे। तब पंडित जी ने दूसरे दिन बताया, कहा कि एक महात्मा रहती है, चुपचाप ध्यान लगाए रहते हैं, भजन करते रहते हैं, और वो हमको बहुत अच्छे लगे, क्योंकि वो जब धार उतरती है, धार जब वो उतरती है तब छिपा नहीं रह जाता है, छिपा नहीं रह जाता है धार। अब ये धार सब पर उतरती भी नहीं है, धार के लिए जो कोशिश करता है उस पर उतरती है और पता चल जाता है, चेहरा मोहरा रंग रूप में कुछ और दिखाई पड़ने लगता है। तो पंडित जी अपने संयम नियम के तो पक्के थे ही, अनिकंदी की ज्यादा थी नहीं उनकी, कोई भी पूजा पाठ करे, किसी भी देवी देवता का करे, नियम से करे, झूठ न बोले, बेईमानी न करे, चोरी न करे, ठगी न करे, किसी को तकलीफ न दे, सेवा भाव रखे, परोपकार रखे, तो भी अन्य लोगों से उसका मन साफ रहेगा, उसके कर्म खराब जमा नहीं होंगे। तो आचरण के शुद्ध तो थे ही, पहचान गए, वो पहचान गए कि ये सिद्ध पुरुष लगते हैं। तो कहा कि महाराज उनसे पूछा जाए, तो कहे कि तो उनको बुलवा लो। बोले कि वो आएंगे नहीं, ऐसे कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, और आप यहाँ तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ तो राजद्वारे साध जन तीन बात को जाएं, क्या माया, क्या मीठा, क्या मान। राजा लोगों के यहाँ सम्मान बहुत मिलता था, मीठा खूब बढ़िया खाने को मिलता था, और चलते समय दक्षिणा मिल जाता था, तो इसीलिए जाते थे। बोले महाराज जिसको कछु न चाहिए सोई सहनसा, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह। उनका तो मनवा बेपरवाह है, मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो भूख ही खा लेते हैं, समझो कि वो रोटी नहीं मिलती तो भूख खा करके सब्र कर लेते हैं, वो तो मिल गया तो लंगोटी लगा लिया, नहीं तो नंगे भी रह जाते हैं, वो तो आपके यहाँ ऐसे नहीं आएंगे। तब राजा ने सोचा कि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मानस रखते हैं, सम्मान यानी समझो कि यानी कद्र करते हैं किसकी, यानी भावना की, अगर हम दीन होकर के उनको बुलाएंगे तो आ सकते हैं। तब उन्होंने कहा अपना आदमी भेजा उनके साथ और कहा जाओ कहो आ करके हमको दर्शन दे जाए, हम परिस्थितियों में घिरे हुए हैं और हम आएंगे तो हमारे साथ और लोग आएंगे, और फिर जो है आपके इस काम में, जिस काम में आप लगे हुए हो, ध्यान में लगे रहते हो, प्रभु को याद करते रहते हो, उसमें बाधा पड़ जाए। कहा कि जाओ जब कहोगे, इस बात को कहोगे, अपने आदमी से कहा, भेजा अपने नजदीकी सेवादार को, तब महात्मा जी आ जाएंगे, आप समझो मान रखेंगे, इच्छा को वो पहचान जाएंगे। तो आ गए महात्मा जी, महात्मा जी आए भाई बुलाने पर, राजा ने हार्दिक इच्छा व्यक्त किया आ जाए, तो आ गए। तो पूछा यह सवाल, महाराज बहुत कुछ किया लेकिन शांति नहीं मिली, उद्धार का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा, मुक्ति मोक्ष का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा। तो बोले राजा, महात्मा जी बोले कि एक मिनट के लिए तू अपना अधिकार मुझे दे दे। तो बोले दे दिया, जो मैं कहूं वो होने दो। बोले ठीक है, सोचा एक मिनट में क्या कहेंगे या कर लेंगे। तो वहीं पर खड़ा हुआ था सिपाही, सिपाही से कहा कि पंडित जी को बांधो। पंडित जी तो वहां थे ही, पंडित जी ने बताया था, पंडित जी के साथ वो आए थे, कहा पंडित जी को बांधो हाथ पैर इनका, बांध दिया, और कहा अब राजा को बांधो। राजा भी बंध गए।
तो पंडित जी से कहा कि राजा को खोलो। कहा अब हम कैसे खोलें, हमारा भी हाथ पैर बंधा हुआ है, तो हम कैसे खोल पाएंगे। राजा से कहा राजा साहब आप खोल दीजिए। अरे बड़े मैं भी बंधा पड़ा हूं, मैं कहां से खोल पाऊंगा। तो जो बंधन में है, कौन बंधन में है? ये जितने भी नीचे के लोग हैं, इनमें जितने भी जीव हैं सब बंधन, चाहे यमृत लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे गंधर्व लोक हो, चाहे वैकुंठ लोक हो, चाहे आप ये समझो कि ये काल का लोक हो, चाहे ब्रह्म का लोक हो, ये सब बंधन में। ये मुक्त नहीं है कि ये चाहे तो निकल जाए आवे जाए। अब इनकी पूजा करके और इनको खुश करके कि जिनका ही वर्णन वेद में है, जिनका ही वर्णन पुराण में है, जिनका ही वर्णन गीता में है, उनको खुश करके आप कैसे बंधन से छुटकारा पा सकते हो। बंधे तुम गाढ़े बंधन हान, ये जीवात्मा जो चार शरीर में बंध है, ये जो पांच तत्वों में स्थूल शरीर बंध है, इससे कैसे छुटकारा पा सकते हो। इसलिए बंधन से मुक्त ये जो रास्ता आपको बताया गया प्रेमियों, उस रास्ते पर चलो, इस शब्द को पकड़ो, नाम को पकड़ो, तब तो बंधन से मुक्त हो सकते हो। नहीं तो लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके इसी 84 में आना पड़ेगा, जन्मने मरने की पीड़ा झेलनी पड़ेगी। अब तो आप ये कोशिश करो कि इसी जन्म में इसी मनुष्य शरीर के रहते रहते हम अपना काम बना लें, जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हमने मनुष्य शरीर को मांगा था, प्रभु ने दया करके मनुष्य शरीर दिया है, वो हम अपना काम पूरा कर लें। क्योंकि दांव लग गया है आपको, किस चीज का दांव लग गया, मनुष्य शरीर पाने का, और ये अवसर आपको मिल रहा है, तो इस अवसर से, इस मौके से अब आप मत चूकना। 22 घंटा में से 2 घंटा समय आप अपनी आत्मा के लिए निकालो कि जिससे ये है नरकों में न जाने पावे। 84 में कीड़ा मकोड़ा सांप गुजर बिच्छू के शरीर में ये चक्कर न लगाने पावे। आप 2 घंटा समय निकालो कि जिससे आप जन्मने और मरने की पीड़ा से बच सको। क्योंकि प्रेमियों जन्मते वक्त भी देखो बच्चा बहुत तेज रोता है, अपने औकात से तेज रोता है, क्यों, क्योंकि तकलीफ होती है। और मरते समय भी देखो बहुत से लोगों की तो हड्डी हड्डी चटकती है, रोते हैं, चिल्लाते हैं, जबान तुतली हो जाती है, आवाज साफ नहीं निकलती है, आंख से आंसू गिरते हैं, किसी के आंसू सूख ही जाते हैं, नहीं निकलते हैं, लेकिन आंखें बताती हैं, उनका चेहरा बताता है कि बड़ी इनको तकलीफ हो रही है। तो जन्मने और मरने की दोनों की पीड़ा से आप बच सकते हो, और ऐसा कोई काम आप न करना कि जिससे जन्मने और मरने की पीड़ा आपको अब झेलनी पड़े।
जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकाल कर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।